सो हाय एवरीवन, दिस इज योर अमन भैया। तो कहते हैं ना कि यार सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। आपकी मंजिल तो वो आसमां है जिसका रास्ता आपको स्वयं बनाना है। आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज। 2022 समाप्त होने वाला है और ऐसे में हमने सोचा कि इस साल को एक बहुत प्यारी चीज के साथ समाप्त किया जाए। 2023 आरंभ होने वाला है। ये अपना कॉलेज आप सभी लोगों के प्यार और भरोसे से 3 मिलियन का माइलस्टोन कवर कर चुका है। ये हमारा थर्ड ऑफिस है, अपना कॉलेज का पहला ऑफिस है और आज अल्फा का बैच 3 भी आने वाला है। और अपना कॉलेज की बात चल रही हो और हम आपकी श्रद्धा दीदी की बात ना करें तो ऐसा तो यार इनकम्प्लीट रह जाएगा। मैंने सुना है कि आज कुछ सरप्राइज वगैरह आने वाला है। तो आज जितने भी सारे हमारे कोडिंग एस्पिरेंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा लास्ट तक वेट करना पड़ेगा पूरी वीडियो में। तो यार जब स्टार्ट किया था तब किया था एक हॉस्टल रूम से, फोन को उल्टा करके कैमरा यूज करते थे, पीछे एक दीवार हुआ करती थी। आज भी पीछे एक दीवार है, बस उस दीवार पे हम अपना अपना कॉलेज को देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ तक का जो सफर है ये यार बहुत ही मेमोरेबल रहा है और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से रहा है। और इस नए साल की हम शुरुआत कर सकते हैं एक अपने ऊपर ये प्रॉमिस करके कि मैं अपने ऊपर डबल एफर्ट डालूंगा, मैं अपने ऊपर मेहनत जरूर कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर अपना सारा का सारा लगाऊंगा कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने करियर से। और करियर पे यार अगर आप में से जितने भी बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़ी MNCs और अपने स्टार्टअप्स के अंदर जाना चाहते हैं, एक इंजीनियर टेक कंपनी, तो यार आओ अल्फा 3 जो है वो स्टार्ट होने वाला है जनवरी 7 से। पहले 5,000 बच्चे हैं उन्हीं के लिए यार अर्ली बर्ड ऑफर एप्लीकेबल होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से आप जा सकते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो। तो रिसेंटली अभी एक स्टूडेंट है MVIT के जिनका हमने इंटरव्यू लिया था, इनकी अपने कॉलेज की सुपर ड्रीम कैटेगरी के अंदर प्लेसमेंट लगी है। तो इंटरव्यू के अंदर इन स्टूडेंट ने बताया कि मैंने अल्फा के अंदर एनरोल किया, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने दो और दोस्तों को दिलवाया एंड अब जो तीनों दोस्त हैं वो अपने कॉलेज की सुपर ड्रीम कैटेगरी के अंदर प्लेस्ड हैं। इस तरीके के जब स्टूडेंट्स के साथ हमारी बातचीत होती है तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। और ये हमारा कुछ एक कॉन्फ्रेंस रूम है जिसके अंदर बैठ कर हम स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, जो हर बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया हर एक बैच के अंदर हम दे पाएं। तो ये एक और एडिशनल कॉन्फ्रेंस रूम है जिसके अंदर हम जिसको भी जो काम के लिए चाहिए होता है वो कर लेते हैं बैठकर। बीच में एक ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जिनके पास अपना खुद का लैपटॉप भी नहीं था, वो अफोर्ड नहीं कर पाए लैपटॉप, तो उन्होंने क्या किया, एक एडिटिंग की इंटर्नशिप की ताकि उनको लैपटॉप मिल जाए एंड उस लैपटॉप के ऊपर उन्होंने कोडिंग करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद उनकी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट लगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे के सारे बेस्ट रिसोर्सेज होने चाहिए अपनी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की तैयारी के लिए। अगर हमने कोई गोल दिमाग में लिया है तो जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, उनसे हमें अपना बेस्ट निकालना हो। तो फर्स्ट ईयर कॉलेज के अंदर हरियाणा से थे, उस टाइम तक कभी लैपटॉप मैंने देखा भी नहीं था, तो पता ही नहीं था कि लैपटॉप के अंदर i3 i5 क्या होता है। तो कॉलेज के अंदर गए तो पापा खुद ही लैपटॉप ले आए थे, एक 25,000 का लैपटॉप था जिसके साथ प्रिंटर फ्री आया था। अब वो प्रिंटर 5 साल से मेरे घर के अंदर रखा हुआ है, उस पर आज तक हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है, बट उस लैपटॉप को यूज़ किया गया। उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट की जो 2 इंटर्नशिप थी, मेरा इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का जॉब भी मैंने उसी के ऊपर कंटिन्यू किया था रिमोटली। तो कभी भी खुद को अपने रिसोर्सेज से लिमिटेड फील नहीं करना, अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम कंसिस्टेंसी डालते हैं तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। बस अपने जितनी चीज़ें हमारे पास है उससे हमें बेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो अभी क्रिसमस का समय है तो अकॉर्डिंगली डेकोरेशन वगैरह कर रखी है, नया साल आने वाला है और अभी है एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम, तो कोई भी आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। क्या है कि ऑफिस टूर कराने मुझे बड़ी शर्म आती कि भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा, तो मैंने कहा सुबह सुबह आते हैं। यहाँ पर यार वो जोन है जहाँ पर मैं कभी कभी बैठते हैं, तो आपको वो शिव प्रेम शायद कुछ वीडियोज़ में देखने को मिला होगा अभी तक। फिर साथ में एक स्टूडियो हमने और बना रखा है, अपना कॉलेज को जो इतना प्यार और भरोसा आपने दिखाया उसके पीछे मुझे एक बहुत बड़ा कारण लगता है जो भी मैं आपको बताता हूँ। पर ये है, आपने काफ़ी बार श्रद्धा दीदी को देखा होगा, ये बैकग्राउंड होता है, यहीं से वो क्लास ले रही होती हैं। तो मान लो एकदम से कोई क्लास लेनी हुई या किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना हुआ तो ईजी टू एक्सेस हो जाता है। एक तो ऐसा टाइम होता था यार, आप लोगों को बताइए, हमारी टेबल के नीचे बैठ हुआ करता था और वहीं जाके सो जाते थे। इनफैक्ट टेबल के नीचे बैठ तो अभी भी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं गणेश जी से, इनसे क्या है कि सारे काम अच्छे होते हैं। और मुझे लगता है कि अपना कॉलेज इतना ज़्यादा ग्रो इसलिए हो पाया, इतना ज़्यादा प्यार इसलिए भी मिला क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। पेन पॉइंट ये था कि यार कॉलेजेस के जो करिकुलम है काफ़ी केसेस में वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनका प्लेसमेंट से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पे अगर 10 प्रोफेसर पढ़ रहे हैं तो ऊपर के 2-3 से तो समझ में आ रहा है, पर यार नीचे के 7-8 या तो प्रोफेसर एनर्जी पुटेन नहीं कर रहे होते या बच्चा उनसे नहीं समझ पा रहा होता है। तो ऐसे में एक ऐसा बच्चा जो टीयर 2 कॉलेज का है, टीयर 3 कॉलेज का है, उसका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है,
वो BCA का है, वो MCA का है या किसी और बैकग्राउंड से है, पर डोमेन स्विच करके अपने आप को कल को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर करियर बनाना चाहता है, तो उस बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन चाहिए था कि कोई नमस्ते से लेकर धन्यवाद तक उसे कंप्लीट सारी चीजें पढ़ा रहा हो। तो अब आ जाते हैं सबसे प्यारे और सुंदर पार्ट के ऊपर। आज के दिन टेक्नोलॉजी का समय आ चुका है, ऐसे में चाहे एक छोटा बिजनेस है या एक बड़ा बिजनेस है, उसे अपनी सारी चीजें इंटरनेट पे लानी पड़ गई हैं। ऐसे में हम वेबसाइट देखते हैं, ऐप देखते हैं, सारी चीजें मोबाइल और लैपटॉप से चल रही हैं। इसलिए चाहिए बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, नए नए स्टार्टअप्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खोज में जा रही होती है और इन्हें बेहतरीन पैकेजेस देखते हुए फिर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। अब ऐसे में आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि भैया मेरे तो 11th 12th के अंदर कोडिंग नहीं थी, या मैं कॉलेज में आ गया हूं पर मेरे कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है, मैं बीटेक नहीं मैं बीसीए कर रहा हूं, मैं बीटेक कर रहा हूं तो टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से कर रहा हूं, मेरा तो डोमेन ही दूसरा है, क्या मैं कंप्यूटर सेक्टर में आ सकता हूं? तो उन सबका उत्तर है हाँ, क्योंकि आपसे पहले हजारों बच्चे कर चुके हैं। हाँ, एक ऐसा बच्चा होगा जिसका टीयर 1 कंप्यूटर साइंस है, तो उसको अगर एक्स मेहनत करनी पड़ रही है तो आपको 1.5 या 2x मेहनत जरूर करनी पड़ सकती है, पर अगर इन 3 से 4 महीने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप अपने आप को प्लेसमेंट रेडी मानोगे। कॉलेजेस के अंदर जो 3rd 4th ईयर में इंटर्नशिप और जॉब के लिए कंपनियां आती हैं, उनके लिए आप अपने आप को रेडी मानोगे, और आपको यह भी सिखाया जाएगा कि कैसे आप उन कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो अगर आपके कॉलेज के अंदर कोई ऑन कैंपस कंपनी नहीं आती। हम लाखों रुपए लगा देते हैं सेमेस्टरों के, अपनी पूरी कॉलेज फीस के, हॉस्टल फीस के, पर काफी बच्चों का इंडिया में एक ये प्रॉब्लम है कि इंडियन कंपनीज के लिए कैसे हम अपने आप को प्लेसमेंट रेडी कर सकते हैं, और वहां अल्फा आता है। तो ये हैं आपकी श्रद्धा दीदी और ये आपको पढ़ा रही होंगी। इनका माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 43 लाख का CTC लगा था। ये टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से बिलोंग नहीं करती है, हरियाणा के विलेज से बिलोंग करती हैं। तो डेफिनेटली इनके फादर के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट रहा होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर ना लाखों रुपए की फीस लग जाती है और उसके बाद जब एक जॉब मिलती है तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट होता है। ऐसे में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ये भी पूछना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, या फिर अल्फा के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं और वही क्यों पढ़ रहे होते हैं। तो जब भी हमें कोडिंग की शुरुआत करनी होती है तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो अल्फा के अंदर हम जावा लैंग्वेज को सीख रहे होंगे। उसके बाद स्टेप 2 होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को करना। अब जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेज़न हो गई, ऐसी कंपनीज अपने इंटरव्यूज के अंदर कंपलसरीली आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के सवाल पूछती हैं, और ऐसे ही सवाल आपके कोडिंग टेस्ट के अंदर आते हैं। तो हम अल्फा के अंदर कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को पढ़ रहे होंगे, उनके सवालों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके साथ साथ प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए, इंटर्नशिप के लिए जो एंड टू एंड चीजें चाहिए होती हैं, जैसे रेज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, प्रोजेक्ट्स किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम 12 से ज्यादा घंटे बैठकर लाइव बात कर रहे होंगे, लाइव मिल रहे होंगे। तो ये सारी जो चीजें होती है, ए से लेकर जी इसको बोल सकते हैं, बेसिक से एडवांस तक, उन सब का जो कंप्लीट पैकेज है, दैट इज अल्फा। इनफैक्ट इसमें हम कई बार हमारे जो अल्फाइट जिनके सिलेक्शन हो गया होता है तो उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपको सबसे प्यारी चीज क्या लगी इसके अंदर, तो वो दो चीजों का नाम हमेशा लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर, बहुत स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर्ड वे में था सर, कि उसका जो स्ट्रक्चर है मतलब मॉड्यूल टू मॉड्यूल डिवाइडेड है, कि वहां पे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है फिर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उस स्ट्रक्चर्ड वे में अल्फा का बहुत बड़ा हाथ था। और दूसरा कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर जिसको नहीं समझ में आया, स्ट्रक्चर का मतलब कि इंटरनेट पे काफी बार आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, रिसोर्सेज मिल जाएंगी, पर बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन किसके बाद, तो यहाँ पे क्या आपको एक पहले थ्योरी बताई जाती है, फिर इजी लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर हार्ड, फिर आपका असाइनमेंट, तो इस प्रकार से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और उसे पता होता है फर्स्ट मंथ से लेकर 4th मंथ तक मेरे को बस हर ऑल्टरनेट डे जो लेक्चर आ रहा है उसको कायदे से अटेंड करना है, जो काम दिया जा रहा है बस उसको करना है, तो वहां पे उसे एक स्ट्रक्चर मिलता है। और सेकंड होता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि जो भी नया एक बैच आ रहा होता है उसके अंदर दोबारा आपका फर्स्ट चैप्टर से चीजें स्टार्ट हो रही होती है, ऑल्टरनेट डे पे आती है, और आपके लाइव सेशन है वो दोबारा फ्रेश लिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो उसे पता होगा यार श्रद्धा दीदी लाइव सेशंस में आ रही हैं, या टेलीग्राम के माध्यम से जो हमारी इंटरेक्शन होती है तो वो सारा एक टच बना रहा है। फिर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम जावा लैंग्वेज इसलिए भी यार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जावा की वजह से कल को यार आपको अपने रिज्यूमे में मान लो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड करने हैं तो बच्चा अपना एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह जैसी चीजें स्टार्ट कर सकता है और उसमें उसका रिज्यूमे है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्लस जावा में आपकी श्रद्धा दीदी आपको पढ़ा रही होंगी, और चाहे आप किसी दूसरे लैंग्वेज आपने थोड़ी बहुत सीख रखी है तो उससे डरना मत, क्योंकि अगर कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रखी है फिर तो जावा सीखना आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सिंटैक्स बदलता है और आप और भी तेज ग्रिप कर रहे हो। तो ये अगले या इसमें एक सवाल स्टूडेंट्स का होता है कि कॉलेज के अंदर कोई और लैंग्वेज चल रही है, कॉलेज के अंदर C++ चल रहा है तो क्या मैं जावा सीखूं? तो उसमें हम बोलते हैं कि कॉलेज का आप करिकुलम के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि कॉलेज का जितना सिलेबस होगा वो कोई गारंटी नहीं करता कि प्लेसमेंट के हिसाब से वहां पर प्रिपरेशन हो रही है। यहां पर जो आप जावा पढ़ेंगे वो आपकी प्लेसमेंट के लिए होगा, कॉलेज के लिए जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके कॉलेज के एग्जाम्स के लिए, आपकी GPA और परसेंटेज के लिए होने वाला है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी जिससे आप वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, पर उससे साथ ही मैं एक और प्यारी चीज़ आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। तो ये हैं आपके स्लीपिंग पैड्स, तो इसके अंदर मान लो कोई व्यक्ति लेट नाइट रुका हुआ है या कोई थक जाता है
तो वो यहाँ पे आके अब रेस्ट कर सकता है। मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। इनफैक्ट मैं और श्रद्धा डिस्कस भी कर रहे थे कुछ देर पहले कि यार इस बिल्डिंग के अंदर और भी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, और ऐसी कंपनियाँ जो किसी समय में हमें यार फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट देने आती थी, अब उनके साथ हम ऑफिस खोल पा रहे हैं, तो कितनी प्यारी अच्छी हमारे लिए चीज़ थी। ये सारा यार आप सभी लोगों के बदौलत हो पाए। और जीवन में आप जहाँ पर भी हो, ये मत देखना कि यार अभी तो मेरा बहुत लंबा रास्ता बचा हुआ है, ये देखना कि मैं जो पिछले महीने था क्या उससे बेहतर हो गया। आपका कंपटीशन से स्वयं से है और एफर्ट्स पुट इन करने से। तो 2023 के अंदर हम अपने जो एफर्ट्स हैं वो अपने ऊपर डबल डाउन कर दें कि यार मैं अपने ऊपर डबल एनर्जी लगा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर क्या है, हर एक व्यक्ति को है ना जो बताया बनवास लेना होता है 2-3 साल का, और ये हम कभी यार इस्तेमाल नहीं करते, पर हाँ ये एक सुविधा अवेलेबल है। तो मैंने कहा आप सभी लोगों को दिखाएं, कल को आप और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जब यार प्लेस हो जाते हो तो और भी बहुत अच्छे अच्छे पर्क्स आपको मिल रहे होंगे। आज 3 और जनाब अभी भी वेट किस चीज़ का कर रहे हो? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना कॉलेज की वेबसाइट मिलेगी, उसके ऊपर जाओ। जो पहले कुछ बच्चे होंगे उन्हें अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा होगा।